श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हो आप सब लोग? तो ईश्वर की कृपा से अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी एकदम ठीक हैं। और मैं बहुत दिनों बाद बना रही हूँ वीडियो। दो तीन दिन की वीडियो मैंने जोड़ जोड़ के और एक बनाई है। आजकल मेरा थोड़ा सा वीडियो से रूटीन हट रहा है और कुछ रीज़न है। रीज़न ये है कि बहुत सारे काम बढ़ चुके हैं और मैं एडिटिंग नहीं कर पाती हूँ। वीडियो तो बनाती हूँ लेकिन एडिटिंग नहीं कर पाती हूँ। एडिटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पर मैंने आज ना पूरा किचन साफ़ किया है और बढ़िया से अच्छे से। और बाबू यहाँ पर मैंगो शेक बना रही है। आजकल ना गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। अति ठंड में भी वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। काम तो घर का सारा कुछ होता है। तो आज है संडे और संडे में ना आज मैं बहुत कुछ करने वाली हूँ, यानी कि छत की सफाई करने वाली हूँ मैं आज। तो मैंने कर दिया है यहाँ पर पराठों की तैयारी और पराठे बनाएंगे आज पनीर के और संडे को। तो यहाँ पर कटा हरा धनिया मैंने डाल दिया है और स्टफिंग तैयार करके मैं रख दूँगी फ्रिज में। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अमचूर पाउडर रख दिया है इसमें और हल्का सा अजवाइन भी डाल दिया है। अजवाइन डाल के ना, अजवाइन और सौंफ डाल के इतना अच्छा स्वाद आता है पनीर और प्याज के पराठों में। तो हल्दी डाल दिया है मैंने थोड़ा सा और थोड़ी सी मैं मिर्च डाल दूँगी। और हरी मिर्च तो नहीं है लेकिन जो हम यूज़ करते हैं हरी मिर्च वही डालूँगी। हल्का सा काली मिर्च का पाउडर भी मैंने डाल दिया है, हल्का ही डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है क्योंकि आजकल गर्मियां हैं, बस टेस्ट के लिए। तो इसको मैं अच्छे से स्टेपिंग तैयार करके फ्रिज में रख दूँगी और आटा गूंद के मैंने रख लिया है फ्रिज में। और जैसे ही हमारी छत साफ़ होगी हम नीचे आएंगे और उसके बाद हम गर्मा गर्म पराठे बनाएंगे। तो अभी हम आ चुके हैं ऊपर छत में। बहुत दिन से मैंने छत नहीं धोई थी और मैंने सोचा कि आज छत में जाते हैं और छत में हम सफाई कर देते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी टाइल बची हुई हैं पुराने ही, यानी कि मतलब जिनसे हमने घर लिया उनकी ही। उन्होंने पूरे घर का जब रेनोवेशन कराया होगा ना तो ये कम से कम दो तीन कमरों की टाइल बच गई थी। कुछ तो मैंने किसी भैया को दे दी थी जो हमारे घर में काम करने के लिए आए, क्योंकि करना भी क्या था इनका। और कुछ मैंने बचा के रखी है, कभी भी काम आ सकती है। और बाकी तो सारे कमरों में टाइल लगी हुई है लेकिन बहुत सारी टाइल जो है वो छत में पड़ी हुई है। और जो ग्रेनाइट पत्थर था हमारा स्लिप का जो किचन का होता है, तो उसको पता नहीं कौन ले गया। यहाँ पर मैंने ये नारियल की वो रखे हुए हैं, कोपले जो भी बोलते हैं। और यहाँ पर ना ये भिंडी लगाई थी, टमाटर का पौधा है, तो इसी कारण से मैं ना यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रही हूँ अभी। तो अभी हमने छत बनानी है लेकिन सोच समझ के बनाएंगे, ऐसे ही मतलब किसी काम में हाथ नहीं डालेंगे, क्योंकि जब काम कराना है तो सही से कराना है। और पूरी छत हमारी ख़राब तो बोल सकते हैं, मतलब जो ये किनारों के जो सीमेंट है ना वो निकल रहा है, बाकी तो पक्का ही है, मतलब ईंटें लगी हुई हैं अच्छे से। लेकिन क्या है कि इन ईंटों के ऊपर ना हम कुछ करवाएंगे। और यहाँ पर ये देखिए पक्की तो है छत, ईंटें लगी हुई हैं ऊपर से, लेकिन इसको अच्छे से और करवाएंगे। तो हमने सोचा कि आज धो देते हैं अच्छे से इसको। और सुबह सुबह मज़ा आता है ऐसे काम करने में, एनर्जी खूब होती है। तो नाश्ते की तैयारी तो मैं करके आ गई हूँ और अभी इसको धो देते हैं बढ़िया से, क्योंकि धूल धाल आजकल ना जैसे वो चल रहा है, आंधी तूफान चल रहा है कभी कभार, तो बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है। और इसके पापा डाल रहे हैं पानी और मैं छत में सफाई कर रही हूँ। और मैंने वीडियो को कर दिया है फॉरवर्ड ताकि आप लोगों का टाइम जाया ना हो। तो बहुत बड़ी छत है, बहुत बड़ी है, और धोते धोते ना पूरा एक डेढ़ घंटा लग गया, लेकिन छत से नीचे जाने का मन नहीं कर रहा था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही। सारा छत साफ कर दिया मैंने। आपने किया है? परमेश्वर महाराज की जय हो। अब चाय पिला दो। टंकियों से लेके वहां तक कह रहे आराम जाना तेरा हो गया। अब मम्मी के सामने जागर लगा रहे हैं पापा, बताओ। क्या बोल रहे हैं?
पता आप बोल रहे चाय वाला उठो बैठो अरे उठो बैठो करो पतले होंगे करो कितनी उंगलियां है? 10 फीट आठ है ये हेलो फोन नहीं देखते तो फोन नहीं नो फोन संडेज में नो फोन तो यहाँ पर ये भिंडी के पौधे हैं तीन चार और मैंने सोचा कि जब ये हो रहे हैं इनको बो रखा है मैंने तो इनको गोड भी देते हैं और इनकी सेवा पानी हो रही है तो देखते हैं ये होते हैं या नहीं होते हैं और अभी चलते हैं नीचे तो अभी हम लोग जा रहे हैं स्टेशनरी का सामान लेने जो कि राघव के हॉलीडे होमवर्क का प्रोजेक्ट है राधे राधे जय श्री कृष्ण जय श्री राम तो कैसे हो आप सब लोग आई होप कि अच्छे होंगे बढ़िया होंगे हम भी एकदम ठीक है ये सुबह सुबह का टाइम है कल था संडे और हम गए थे बाहर लाजपत नगर लेकिन लाजपत नगर में जो रेडी पटरी वाले हैं ना तो वो अभी भी नहीं बैठ रहे हैं जो डोलमा आंटी वाली रोड पे बैठते थे ना वो अभी नहीं बैठ रहे हैं तो बहुत दिनों बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ और हम भी लाजपत नगर ना तीन चार महीने में गए कम से कम शायद इस बीच में एक दिन गए होंगे अप्रैल में गए थे ना हाँ तो तीन चार महीने में ना एक दो दिन ही गए हैं हम तो अभी हमें कुछ चीज़ की ज़रूरत थी जैसे बच्चों के लिए चप्पल वगैरह वो बहुत अच्छी मिल जाती है बच्चों के तो छोटे होते रहते हैं लेकिन मेरे और इनके ना बहुत अच्छे चल जाते हैं वहाँ पर ऐसी दुकानें हैं कि बहुत ही अच्छे मतलब ओरिजिनल मिलता है तो कल भी हम कुछ लाए हैं खरीद के वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं चलिए दिखाते हैं आपको कि क्या क्या लाए अरे मम्मी मुझे हॉल बनाना है उसको हॉल बनाने का बहुत ज़्यादा शौक है दिखाना सबसे पहली चीज़ तो हमने एक शॉप से ली थी तो एक ये कुर्ती है एक मिनट में ये बंद कर देती हूँ पहले पापा ने उधर ना टीवी लगा रखी है तो एक ये कुर्ती है जो कि बहुत सुंदर लगी मेरे को और अच्छी है इन लोगों को भी पसंद आई तो मैं ले आई इसको इसका ये वाला वर्क हाँ ये मुझे अच्छा नहीं लगता है मुझे बस रिलैक्सेबल कपड़े ना अच्छे लगते हैं एकदम और ये है मसलिन में और अच्छा लग रहा है और हाँ ब्लू कलर का है तो ये कुर्ती है कितने की है ये इतने की है ये प्राइस दिखा दिया है मैंने तो अच्छी लग रही है हाँ लेकिन इसके साथ ना पैंट नहीं है और पैंट लाऊंगी मैं इसके साथ कॉटन के बहुत सुंदर तो गर्मियों के हिसाब से अच्छी है हटा दो इसको और एक श्री की कुर्ती ली है मैंने मैं श्री के ही पहनती हूँ श्री ओरिला डब्ल्यू इन सब की कुर्तियाँ ना बहुत अच्छी होती है बहुत सुंदर होती है तो एक ये कुर्ती है ये आलिया कट नायरा कट हाँ आलिया भट्ट का जो वो है ना तो एक ये है इसका जो कपड़ा है ना नीचे रखो बेटा हाँ
इसका जो कपड़ा है ना वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, और पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ कि मुझे रिलैक्सेबल कपड़े ही अब अच्छे लगते हैं। ये झोल में है तो ये बहुत अच्छा लगता है पहनने के बाद। हाँ ये झोल में है, मतलब ठीक है नीचे को, है ना, अच्छा है। तो हाँ तो इसके साथ भी मैं पेंट लाऊंगी, और दोनों के साथ ना वैसे क्रीम कलर चल जाएगा। तो एक ये है, और इसका प्राइस कितना है देखना, 1499 है ना। तो ये भी बहुत ही सुंदर है, और बहुत दिन बाद मैं कुर्ती खरीद रही हूँ, बहुत दिन बाद तो नहीं। तो एक ये है, ये दो मेरे हैं बस, इतने ही लाई हूँ मैं, मुझे बाकी समझ आए ही नहीं। और अभी गांव जाने की तैयारी हो रही है, तो तब ये थोड़ा बहुत शॉपिंग चल रही है। और दो कुर्ती बाबू अपने लिए लाई है 250-250 रुपये की, और इसने ना अपने फ्रेंडों को देखा तो कह रही मम्मी मेरे लिए भी कुर्ती लाओ, तो अच्छी लग रही है, ठीक है बच्चों के लिए ना, छोटे छोटे जैसे ही बच्चे, शॉर्ट कुर्ती है। हाँ ये अच्छी लगती है छोटी बच्चियों पे। तो ये लाई, और प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगा इसके हिसाब से। ये देखिए एक ये है, और इनके साथ ना ये जीन्स भी डाल सकती है, जीन्स डालेगी ना, हाँ ये जीन्स के साथ भी पहन सकती है इसको, और उसके साथ क्या बोलते हैं जोगर जीन्स जो भी लेगिंग ये सब के साथ चल जाता है, इनके साथ पहन, और ये अच्छे भी चल जाते हैं, बढ़िया चल जाते हैं, डेली वियर में बहुत अच्छे रहते हैं, या कहीं इधर उधर जा रहे हैं तो एक दो बार ट्रेवल में भी पहन सकते हैं। एक जीन्स लाई है बाबू, ये 250-250 के हैं, 500 के, और ये जीन्स है एक, तो ये कोचिंग जाती है, और कोचिंग में अधिकतर बच्चे ना ऐसी जीन्स पहनते हैं। तो कह रही मम्मी मेरी फ्रेंड भी ऐसी पहनती है और मुझे भी दिलाओ। तो एक ये जीन्स है, और लाजपत नगर में बहुत अच्छा कपड़ा मिलता है, ऐसा नहीं कि महंगा ही मिलता है, सस्ता भी मिल जाता है। और ये दुकान की है, मतलब शोरूम वोरूम की नहीं है, था वो शोरूम टाइप का ही है, दिखाना, ये 1100 की थी, दिखाओ इसका प्राइस क्या है, अच्छी मिल जाती है, 1295 लिखा है इस पे, और लगाया ये 1100 का, तो कपड़ा तो बहुत अच्छा है। तो कोचिंग जाते समय ना टी शर्ट है इसकी, ड्रेस है, तो जो ब्लू कलर की इसकी टी शर्ट है तो उसके साथ ही पहन लेगी डेली वेयर में। और क्या है, और ये निकर जो उसने पहने हैं, एक जोड़ी निकर ये है और एक ये है, ये तो 150-150 रुपये के हैं। पर कपड़ा बहुत अच्छा है, पता है, चल जाते हैं ये, चलते हैं। हमारे लिए दो चप्पल, मतलब चप्पल का है और मम्मी के लिए, दिखाना चप्पल। तो ये एक दो कुर्ती है मेरी, और ये चप्पल है, सैंडल है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ, अगर जिसके चप्पल जूते बहुत जल्दी टूटते हैं ना, दिखाना ऊपर दिखाओ बाबू, जिसके चप्पल जूते बहुत ज़्यादा टूटते हैं, या आपको डिजाइन चाहिए या कुछ भी ना, लाजपत नगर में जो चप्पल जूते मिलते हैं ना वो कहीं नहीं मिलते हैं, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। कदका कच्ची, ये 500 कच्ची, ये 500 कच्ची ना, ये देखो ये सैंडल बहुत सुंदर है और अच्छी लग रही है पहन के, और ये बहुत ज़्यादा नखरे करती है सैंडल जूते चूज करने में। तो एक ये लाई हूँ मैं इसके लिए, और अभी इसने पसंद करे हैं, हाँ ये एक जोड़ी और लाने वाली थी चप्पल टाइप में, मतलब इसी प्लास्टिक टाइप में, ये तो मेरे हैं, तो ये 400 रुपये की हैं, बहुत सुंदर है, हैं, हमने पापा के लिए, पापा की ली थी, तो 4-5 साल हो गए उसको, तो है ना, 5 साल हो गए। तो लाजपत नगर में ना चप्पल जूते बहुत अच्छे चलते हैं, और बाबू तो बहुत ज्यादा तोड़ती है, इतने चप्पल सैंडल तोड़ती है ये, अच्छा लग रहा है। तो मैं इसके लिए इधर से कई लोकल से लाती ही नहीं हूँ, वहीं जाती हूँ, अच्छे लगते हैं। और हम इसलिए जाते हैं लाजपत नगर कि हमारा ऑफिस था पहले उस साइड, तो हमारा ना सजो उधर ही बैठता है शॉपिंग करने का, मतलब जब भी छुटपुट चीज़ें लानी होती है, और पटरी पे भी बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती है, है ना, हाँ। पर ये दुकान की है, सीता फैब्रिक के सामने एक शॉप है, अंदर को बहुत बड़ी शॉप है, वहाँ पर हर प्रकार के जूते चप्पल मिल जाएंगे, तो उस शॉप में जाना आप लोग, वहाँ पर आप लोगों को बच्चों से लेके बड़ों तक के चप्पल जूते मिल जाते हैं, है ना। तो अभी मैं कान है उठ के पूजा कर ला है, ये प्लास्टिक जलानो, क्या करना चल, वो पिघला रहा हूं। अच्छा तो इधर को, इधर को, वहाँ नहीं, वहाँ नहीं, आ जा।
तो अभी होमवर्क चल रहा है बच्चों का, और आजकल फटाफट से होमवर्क फिनिश कराते हैं, उसके बाद देखते हैं एक दो दिन के लिए किधर की साइड जाते हैं।